जब बॉल पुराना होता है एसजी बॉल, तो उसके बाद अगर विकेट इस तरह का है तो आपको ना पेस मिलता है ना बाउंस मिलता है, तो उसमें उसके साथ आपको पास वेरिएशन करने के लिए ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता है कि आपको एक जगह पर डालना है, क्योंकि आप कुछ भी ट्राई करने जाएंगे विकेट से बॉल निकल नहीं रहा है और ना बॉल उतना स्विंग भी हो रहा है। सो फिर ऐसे में क्या होता है, जब टैलेंडर्स आते हैं या जो उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन आते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि उनको पता है ना बॉल कुछ हो रहा है, बॉल सॉफ्ट हो चुका है, ना बॉल तेज़ आएगा ना कुछ, हमारे पास ऑप्शन है, तो उनके लिए ईजी होता है उस टाइम पर बैटिंग करना। क्योंकि अगर एस जी बॉल यूजली 20 ओवर के बाद आई थिंक सॉफ्ट हो जाता है, तो जब कोई और बैट्समैन आता है तो उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं होती बैट करने में। तो मुझे लगता है कि जब हमारे अगेंस्ट जो टैलेंटर आते हैं तो वो उनका टाइम जो होता है काफ़ी बेटर होता है उस टाइम पे बैटिंग करने के लिए, क्योंकि बॉल ना उल्टा हो रहा होता ना सीधा हो रहा होता है, बस ये होता है कि हमको बस कोशिश करनी है कि कुछ किस तरह से कंटिन्यू, पर वो सिचुएशन में रुकता नहीं है, काफ़ी कोशिश करते हैं, बट आज भी काफ़ी कोशिश की बट होता नहीं है कंटिन्यू, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है तो एक दो आते रहते हैं और शॉट्स लगते रहेंगे, और जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ खेल रही है उनका गेम ही है। Don't forget to like, share, subscribe, and leave your comments in the comment section below. Click on the bell icon for notifications.